आज तो तुम मुझे एक बात साफ साफ बता दो, मेरी और मेरी बेटियों की कोई इज्जत है कि नहीं, या सबने हमें लावारिसी से बच लिया है? हुआ क्या है अम्मी, आप ऐसे क्यों बात कर रही? ये सवाल जाके तुम अपनी बीवी से पूछो, जिसने अपने आप को हमारा हाकिम बना लिया है। सज्जल, सज्जल ने क्या किया? अरे दिल दुखाया है, एक माँ का दिल, दो कोड़ी की इज्जत करके रख दी हमारी। घर में लोग बहू इसलिए नहीं कराते कि घर की इज्जत वो बाहर नीलाम करे। अच्छा मुझे बताएं तो सही ना, हुआ क्या, ऐसे कैसे पता चलेगा? घर की बात बाहर की है उसने। अच्छा आप बैठ बैठे तो बैठ तो जाए ना, बैठ के बताएं मुझे। अब बताएं मुझे क्या किया सज्जल ने? उसने तो फरीद के आने का इंतजार भी नहीं किया, ना मेरी बच्ची से ये पूछा कि उस पे क्या गुजरी है, किस हाल में। झट से माँ को फोन लगा के बता दिया कि फरीद थाने में। What? सज्जल ने कॉल की? बेटा तुम खुद ही बताओ, जब घर वाले ही पर्दा नहीं रखेंगे तो बाहर वालों से क्या उम्मीद करेंगे अम्मा? नहीं अम्मी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, वो ऐसा क्यों करेगी? अरे वाह बेटा वाह, बहन की गलतियों पे तो बड़बड़ के बोल रहे थे तुम, अब बीवी की बात आई तो माँ को झुठला रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा वो क्यों करेगी। यकीन नहीं आ रहा तो जाके पूछो अपनी बीवी से कि फोन पे माँ को क्या बता रही थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? जाके पूछो ना। अच्छा चाहता हूँ आप गुस्सा ना करें प्लीज। नहीं अभी पूछो जाके उससे। जा रहा हूँ, रिलैक्स, काम है। घर की बातें माँ को बताएगी, इसका तो दिमाग करती हूँ मैं सही। किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है, तुम्हें भी मुझ पे यकीन नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पानी पी लें प्लीज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी को मुझ पर एतबार नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, पानी पी लें, आप थोड़ा बेहतर फील करेंगे। कुछ ठीक नहीं होगा। अशर ये क्या कर रहे हैं आप? जब आप किसी की इज्जत नहीं कर सकती ना, ना ही उसका पास रख सकती, तो ये झूठी हमदर्दी करने की भी जरूरत नहीं। मैंने क्या किया है अशर? सजल आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अशर?